हाय गाइस, कैसे हैं आप सब और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स जो मैंने अपने टेरेस पे लगा रखे हैं, और उसके साथ मैं शेयर करूंगा न्यूट्रिएंट फार्मूला जिसकी हेल्प से आप भी स्ट्रॉबेरी ग्रो कर सकते हैं, हाइड्रोपोनिक स्ट्रॉबेरीज़। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी है काफ़ी अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं और फ्रूट्स पकने भी स्टार्ट हो गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ हर प्लांट में मल्टीपल फ्रूट्स लगे हुए हैं। हालांकि मैं एक हार्वेस्ट इन प्लांट से ले चुका हूं, और आप यहां देख सकते हैं कितने सुंदर फ्रूट्स हैं। स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं और फ्लावर्स भी आप देख सकते हैं, और भी फ्लावर्स हैं जो फ्रूट्स में कन्वर्ट हो गए। यहां भी आप देख सकते हैं दो स्ट्रॉबेरीज हैं, कितना अच्छा रेड कलर है और काफ़ी फ्लावर्स आए हुए हैं। मैंने इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स इसी कंटेनर में लगाए हुए थे, लेकिन किसी वजह से मुझे वो वहाँ से निकालने पड़े क्योंकि कुछ डिसीज़ लग गया था उन प्लांट्स को, तो मुझे डिस्कार्ड करना पड़ा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजर्वॉयर है जिसके थ्रू मैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन फीड करता हूँ इन प्लांट्स को। और एक बार मैं आपको रिजर्वॉयर के अंदर भी दिखा देता हूँ जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। यहाँ पर एक सबमर्सिबल पंप यूज़ किया हुआ है जैसे कि मैं बाकी अपने सभी रिजर्वॉयर में करता हूँ, जिसकी हेल्प से जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो प्लांट्स तक भेजा जाता है। और फिर जो हमारी 4 mm की पाइप होती हैं ड्रिप इरीगेशन वाली, उसके थ्रू प्लांट्स को वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन रिसीव होता है। पहले मैं हैंड वाटरिंग ही करता था, बट और टाइम ना मिलने की वजह से मुझे यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन की हेल्प लेनी पड़ी। और साथ ही जब ओवरहेड वाटरिंग होती है तो उसमें जो आपके फोलियार डिसीजेज होते हैं, फंगस होता है जैसे कि लीव स्पॉट, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे इसमें ड्रिप इरीगेशन ही देनी चाहिए, क्योंकि जितना मैं पानी ऊपर से डालूंगा और इसकी लीव्स जितनी कम गीली होंगी तो डिसीजेज का खतरा भी उतना कम होगा। और यहाँ पे आप कंटेनर देख सकते हैं, लगभग 24 इंच वाइड कंटेनर है और 12 इंच गहराई है इसकी। तो स्ट्रॉबेरीज में सबसे जो मेन बात है वो यही है कि आपको डिसीजेज का ध्यान रखना है, कि कोई भी बीमारी होती है आप उसका ध्यान रखें। जैसे मैंने कहा कि आप जो इरीगेशन है वो ओवरहेड ना करें, कोशिश करें कि जब आप पानी देते हैं चाहे हाथ से देते हैं तो लीव्स गीली ना हो, और जो पॉटिंग मीडिया या मिक्स आप यूज़ कर रहे हैं वो कुछ ऐसा हो कि उसमें पानी ज़्यादा देर खड़ा ना हो, ड्रेनेज काफ़ी अच्छी हो, तो उसमें जो रूट रॉट होता है या कि रूट्स की कोई डिसीजेज़ हैं उनका चांसेस भी कम हो जाते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा फ्रूट है, डेवलप हो रहा है यहाँ पे, और 2 या 3 दिन के अंदर ये बिल्कुल रेड हो जाएगा। जो फ्रूट्स छोटे हैं उनको अभी पकने में थोड़ा सा वक्त और लगेगा, और पूरा पकने के बाद जो स्ट्रॉबेरी का टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, और उसमें से जो फ्रेग्रेंस आती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने 100% कोकोपीट यूज़ किया है, कोई परलाइट इसमें मिक्स नहीं किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पूरा 100% कोकोपीट ही लिया है। और आप ये भी ध्यान दें कि जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो गीली ना हो, क्योंकि अगर वो लगातार गीले मीडियम पे रहेंगी तो उसके सड़ने का भी जो चांसेस होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए आप चाहें तो जैसे मैं करता हूँ, मैं एक छोटा सा पॉलीथीन में इनको कवर कर देता हूँ, हालाँकि मैंने यहाँ पर नहीं किया हुआ है। और कुछ लोग मल्चिंग करते हैं, खासकर अगर आप सॉइल में ग्रो कर रहे हैं तो आप मल्चिंग कर सकते हैं स्ट्रॉबेरीज़ को सेफ रखने के लिए। और इसके अलावा जो स्ट्रॉबेरी प्लांट्स के क्राउन होता है उसको आप कभी भी अपने ग्रोइंग मीडियम में ना दबाएं, वो ग्रोइंग मीडिया से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको दबा देंगे तो क्राउन रॉट हो जाएगा और प्लांट्स को बचाना मुश्किल हो जाएगा। क्राउन अगर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा सकूँगा, अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो जहाँ से ये अलग अलग स्टेम्स निकल रही है, जो एक बेस है जिसको क्राउन कहते हैं, वो आप कभी भी ग्रोइंग मीडिया में ना दबाएँ, थोड़ा सा ऊपर रखें, तो आपके प्लांट्स बिल्कुल सही चलेंगे। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की, जिस न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से मैंने इन स्ट्रॉबेरी प्लांट्स को ग्रो किया है वो डिस्कस करते हैं। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगा वो 100 लीटर वाटर के हिसाब से बताऊंगा, यानी कि आपको वो न्यूट्रिएंट्स 100 लीटर वाटर में डिसॉल्व करने हैं। और अगर आप चाहें तो सॉल्यूशन अपना कम या ज़्यादा भी बना सकते हैं, आपको कम चाहिए तो न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी उसी हिसाब से कम कर लीजिए जो आपके पास वाटर है, जिस क्वांटिटी में आप बनाना चाहते हैं, और बढ़ाना चाहते हो तो आप उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स मैंने यहाँ यूज़ किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, कैल्शियम नाइट्रेट 88 ग्राम्स, मैग्नीशियम सल्फेट 52 ग्राम्स, मोनोपोटेशियम फॉस्फेट 23 ग्राम्स, पोटेशियम नाइट्रेट 23 ग्राम्स और पोटेशियम सल्फेट भी 23 ग्राम्स। इसके अलावा जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वो आप 250 से 300 mg के बीच में डाल सकते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये mg है, मिलीग्राम ना कि ग्राम, तो आपको ये क्वांटिटी ध्यान रखनी है। और इसके अलावा सबसे लास्ट में है आयरन, जो कि आपको डालना है 3 ग्राम। ये सभी क्वांटिटीज 100 लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से है, कम ज़्यादा आप अपने आप कर सकते हैं। और स्ट्रॉबेरीज़ के लिए जो पीएच रेंज है वो है 5.5 से 6.5 के बीच में, तो आप ध्यान रखें कि इसी रेंज के अंदर ही आपका न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का जो पीएच है वो मेंटेन रहे। और अगर आपका बेस आरओ वाटर 50 ppm के आसपास है तो ये जो न्यूट्रिएंट फार्मूला है ये आपको 900 ppm के करीब स्ट्रेंथ देगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको कुछ प्रोडक्ट सोर्स करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने सभी फर्टिलाइजर्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, और इक्विपमेंट्स है जैसे कि TDS मीटर या फिर PH मीटर, उनके लिंक्स भी हैं, तो आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो गाइज़, ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने अपने स्ट्रॉबेरी प्लांट्स की डिटेल्स आपके साथ शेयर करी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।